ये मेरा गारंटी है, इस रेसिपी को आपने नहीं कभी बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। इस रेसिपी को अगर एक बार आप इस तरीके से बना के अगर खा लेंगे ना, तो इसकी टेस्ट को आप कभी भुला नहीं पाएंगे। आप बार बार आप इसी रेसिपी को बनाना चाहेंगे। बच्चे बूढ़े सभी को इस रेसिपी बहुत पसंद आती है। अगर बगल में पड़ोसी को अगर दे दीजिएगा ना, तो वो आपसे पूछेंगे आपने किस तरह इस रेसिपी को बनाया है, मैं भी बनाऊंगी। तो मैं हूँ नास्रीन और आप सबका फिर से वेलकम है देसी किचन देश में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए शुरू करते इस रेसिपी को। लेंगे, जैसा कि आपको पता है, तो यहाँ पर हम लेंगे चावल का आटा। जी हाँ, चावल के आटे से ही बनाने वाले हैं। हमने यहाँ पे इस कप से 2 कप चावल का आटा ले ली हूँ। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। इस आटे में हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस आटे को हमें नॉर्मल ही रहने देना है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो अब क्या करना है, हमें इसमें गुनगुने पानी ऐड करेंगे। जी हाँ, थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी आप बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं लेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो हल्का गुनगुने पानी इसमें ऐड करते रहेंगे। और इसका क्या करेंगे, हम एक पतला घोल तैयार करेंगे। पानी जैसे जैसे हमें पानी कम लगेगा, वैसे वैसे हम इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करते हुए इसका हम एक घोल बना लेंगे। यहाँ पे मैंने चावल का आटा ली हूँ। आप चाहे तो कच्चे चावल को भी मिक्सी में पीस करके इस तरह का घोल आप तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका आटा ही चाहिए हमें, बिल्कुल भी गुठली नहीं रहना चाहिए इस घोल में। देखिए, हमारे घोल के कंसिस्टेंसी को आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए किस तरह से गिर रहा है और एक दूसरे से फिर से ये मिल जा रहा है। तो देख सकते हैं, बस इस तरह का कंसिस्टेंसी होना चाहिए हमारे घोल का। घोल को रख देते हैं अब साइड में और अब हम चलते हैं गैस पर। गैस पर हमने ले ली हूँ कढ़ाई और इसमें हम लेंगे 2 गिलास दूध। यहाँ पे हमने 2 गिलास दूध लिया है। आप दूध भी आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। दूध जितनी ज़्यादा देंगे उतनी अच्छी बनेगी आपकी ये रेसिपी। ये हम दूध में बढ़िया तरीके से उबाल आने देंगे। तो गैस की फ्लेम को हम यहाँ पे कर देते हैं हाई, ताकि जल्दी से उबाल आ जाए। हमारे दूध में देखिए उबाल आना शुरू हो गया है। तो इधर हम क्या कर लेते हैं, इसी में से गरम दूध लेंगे और ये हमने लिए है 2 चम्मच कास्टर्ड पाउडर। उसी कप में ले ली हूँ जिससे हमने चावल कांटा ली थी। तो इसमें थोड़ी सी दूध, गरम दूध डालेंगे और इस तरह से कास्टर्ड पाउडर को हम इस तरह से हम खोल लेंगे। इसमें ऐड करेंगे चीनी। चीनी हमने इतना लिया है, हमने 2 कप चावल का आटा ली थी तो उसी कप से हमने यहाँ पे 1 कप चीनी ली है। फ्लेवर के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे इलायची। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमने जो ये कास्टर्ड पाउडर वाली घोल बनाई थी ना, इस घोल को हम इसमें ऐड करेंगे और इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कास्टर्ड पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कास्टर्ड पाउडर से ही हमारा ये दूध पुआ वाली रेसिपी बनेगी, अच्छी बनेगी, ज़रूरी नहीं है। आटा में मैंने कुछ भी नहीं दी थी, जो भी हमें ऐड करना है यहाँ दूध में ही ऐड करना है। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अच्छे से हमारा दूध पक गया है। तो अब गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे ढक के हम साइड में रख देंगे। ले लेंगे यहाँ पे तावा, जो नॉर्मल तावा, आप कोई भी तावा ले सकते हैं, या मिट्टी का बर्तन है आपके घर में तो आप मिट्टी का भी बर्तन ले सकते हैं। रखते हैं तावा हमारा यहाँ पे गर्म हो रहा है, तब है ना इसको हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। इसे रेस्ट के लिए छोड़े थे तो ये क्या होता है ना कि ये थोड़ा जम जाता है, तो इसे एक बार इस तरह से मिला लेंगे। हम क्या करेंगे, इस करछुल से 1 करछुल हम यहाँ पे बेटर को ले रहे हैं। यहाँ पे तावे को ज़्यादा हार्ड भी गर्म नहीं करना है, नॉर्मल ही गर्म होना चाहिए। अब इस बेटर को क्या करेंगे, हम इस तावे पे रखेंगे। इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको हम इस तावे को इस तरह से रख देंगे, देख सकते हैं, और इस तरह से हल्का हल्का फैला देंगे। इसे ढक देंगे, 1 सेकंड बाद हम इसे खोल के चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें किस तरह से ये हॉल हो गया है, देख सकते हैं किस तरह से ये हॉल हो गया है। और इसको हम इस तरह से छुड़ाते हुए इसको हम पलट लेंगे, फिर इसे हम ढक देंगे 2 सेकंड के लिए। बाद हम फिर से इसे खोल के चेक कर ले रहे हैं। तो
देखिए ये पॉट भी कितने अच्छे से दोनों सेट हो गया है, देख सकते हैं। बस इसी तरह का होना चाहिए हॉल, देखिए इसमें हॉल होना ज़रूरी होता है। अब क्या करें, इसमें हम गर्म दूध में इसको हम डालते जाएंगे, इसी तरह हम बनाते जाएंगे और दूध में डालते जाएंगे। सभी को बनाएंगे, देखिए इसका होल्स को आप देख सकते हैं, इसके नज़दीक से देख सकते हैं आप इसके होल्स को, इसमें कितने अच्छे परफेक्ट होल्स बने हुए हैं देख सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले पहुंचे। 10 मिनट के लिए हम इसे ढाँक देते हैं और रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, फिर देखेंगे इसका असली रंग। 10 मिनट बाद हम इसे खोल के चेक करते हैं हमारे दूध पुए का अंदर में क्या हाल है। वाओ माशाल्लाह, देख सकते हैं फ्रेंड्स इतने अच्छे से फूल गया है, सॉफ्ट हो गया है, दूध को कितनी अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया है देख सकते हैं। आप सभी को कैसा लगा ये मेरी दूध पुए वाली रेसिपी, इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ प्लीज़ आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्सों में भी इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट और प्यार देख के ना मुझे हिम्मत मिलती है और मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे क्या होगा ना कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। पूरी रेसिपी आपने देखी एंड तक, इसके लिए थैंक यू। अब इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलूँगी इसी तरह नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ। बाय, अल्लाह हाफिज़।